ओम भूर्भुवस्वतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये जाप संपन्न हुआ। किंतु शारदा ने क्यों मारा मुझे, पूछता हूं। मेरे कान क्यों खींचे? वो इसलिए कि मैं कान खींचूंगा तो तुम मुंह खोलोगी तो तुम बताओगी कि शारदा माँ मेरी पिटाई करके क्यों गई। पीटेंगी नहीं तो क्या करेंगे? वो भी तो देख रही है ना आजकल। क्या देख रही है आजकल? तुम मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते हो और ना ही मुझसे वार्तालाप करते हो और ना ही कहीं विचरण के लिए जाते हो। ओ कपटी कांता की बच्ची, मैं भली भांति जानता हूँ तुम्हें। तुमने शारदा अम्मा को मेरे विरुद्ध भड़काया है ना, जब देखो मुझे सताती रहती है। मैं सताती हूँ? हाँ तुम सताती हो। मैं सताती हूँ? हाँ तुम सताती हो। मैं सताती हूँ? हाँ तुम सताती हो। सताते तो तुम हो। अच्छा मैं सताता हूँ? हाँ तुम। भूल गई, बाल्यकाल में हम साथ में कितना खेलते थे। तुम मुझे हर बात आकर बताते थे और अब जब देखो तब मुझसे दूर भागते रहते हो। मेरे बाल्यकाल का वो मित्र कहीं खो गया भास्कर। इतना भावनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, कोई कहीं नहीं खोया है। तुम्हारे सम्मुख ही तो खड़ा हूँ, तुम ही व्यर्थ की बातें कर करके मुझे क्रोध दिलाती रहती हो। हाँ छाप रुष्ट मत हो, तुम जो बोलोगी वो मैं कर लूंगा। तो ठीक है, तुम्हें मेरे साथ घूमने चलना होगा। एक बहुत बड़े शिल्पकार है उनके पास। घूमने के लिए शिल्पकार के पास? हाँ। अगलो क्या, मुझे कहीं नहीं जाना, बहुत कार्य है मेरे पास। देखा कैसे पलटे तुम, बस यही कह रही थी मैं, मतलब ही कहीं के। मैंने तो सोचा था तुम्हारी रुचि होगी उनमें। बहुत बड़े शिल्पकार है मोमी कुमार। मोमी कुमार, ये कैसा नाम हुआ? और होंगे बड़े शिल्पकार, किंतु मेरा वहाँ जाने का मन नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं है मेरे साथ कहीं भी जाने का। और मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, एक अत्यधिक प्रसिद्ध और विचित्र शिल्पकार के पास लेके जा रही थी, जिनकी बनाई हुई मूर्तियाँ ऐसी दिखती है जैसे कि उनमें प्राण हो, वो सजीव हो, कोई भी देख के भ्रम में आ जाए। और पता है सबसे अद्भुत बात तो ये है कि उनकी बनी मूर्तियाँ मोम की बनी होती है और अग्नि से भी नहीं पिघलती। ये कैसे संभव है कि मोम की बनी मूर्तियाँ अग्नि से भी ना पिघले? हाँ हाँ कहते हैं कि वो मोम के साथ साथ किसी रसायन का मिश्रण करते हैं, जिसकी वजह से मोम की मूर्ति अग्नि से भी नहीं पिघलती। अच्छा, ऐसे मूर्तिकार से तो मिलना चाहिए। किस स्थान पर बनाते हैं वो ऐसी मूर्तियाँ? नदी के घाट के समीप। और किस समय पर मिलते हैं वो वहाँ? सब मुझे ज्ञात नहीं। बहुत सजीव मूर्तियाँ बनाते हैं क्या? ठीक है, प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हो। मेरे साथ घूमने से अधिक रुचि तो तुम उस मोमी कुमार में दिखा रहे हो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ वहाँ। अरे बड़ी विचित्र हो, पहले कह रही थी कि तुम्हें उनमें रुचि आएगी, अब जब रुचि आई तो तुम्हें दर्द हो रहा है। अत्यधिक स्वार्थी हो तुम। वो बहुत ही विचित्र और विशिष्ट शिल्पकार है, इस कारण उनमें रुचि प्रदर्शित कर रहा हूँ और तुम क्रोधित हो रही हो। नहीं जाना तो मत जाओ मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई रुचि नहीं है। मुझे भी नहीं जाना तुम्हारे साथ। ठीक है मत जाओ, मैं भी अकेली चली जाऊंगी। हाँ जाओ जाओ। जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना। हाँ तो जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, मैंने कहा रोका। तो जाके रहूंगी। हाँ तो जाके दिखाओ। जा रही हूँ। हाँ तो जाओ। कपटी कांता की बच्ची, शायद मोमी कुमार शिल्पकार मेरी कोई मदद कर सके। प्रणाम महोदय, क्या आप ही वो प्रसिद्ध मूर्तिकार मोमी कुमार हैं? मुझे भी ना एक मूर्ति बनवानी है जो देखने में बिल्कुल असली लगती हो। क्षमा करें, प्रतीत होता है मैं गलती से गलत स्थान पर आ गया हूँ। रुको, तुम सही स्थान पर आए हो, क्योंकि मोम की मूर्ति ना तो सुन बोल सकती है और ना ही देख सकती है। वो
ये मूर्ति है और वो भी इतनी सजीव। ये समस्त संसार हमारी कला का ऐसे ही प्रशंसक नहीं है। हम जो मूर्ति बनाते हैं उसे देखकर ये बताना संभव है कि वो मूर्ति है या असली मनुष्य। वो तेरी बन गई बात। क्या मार्ग सुझाया है बापू? महोदय, मुझे भी बिल्कुल मेरे जैसी दिखने वाली एक मूर्ति बनवानी है, जो दिखने में एकदम असली लगे और जिसके हाथ पांव भी थोड़े बहुत हिल सके, किंतु समय बहुत कम है। तो तुम अपनी जैसी मूर्ति बनवाना चाहते हो? जी। इसका तात्पर्य है कि तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें ठगना चाहते हो। हम ऐसी मूर्ति कभी नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ विजयनगर की भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ। हमने कहा ना तुमसे, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। अब तुम यहां से प्रस्थान कर सकते हो। अद्भुत, ये तो अत्यधिक सुंदर है। ये किसकी मूर्ति है? पड़ोसी राज्य वीरभूम की राजकुमारी भानुप्रिया की। वहां के राजा ने विशेष रूप से हमसे ये मूर्ति बनवाई ताकि वो इसे आज से 3 दिवस पश्चात राजकुमारी के जन्मदिन के उपलक्ष में उन्हें उपहार स्वरूप दे सके। तब तो तुम्हें किसी भी स्थिति में ये मूर्ति आज ही भेजनी होगी, तभी तो ये 3 दिन में पड़ोसी नगर पहुंच पाएगी। क्यों? रुको, मूर्ति के समीप क्यों खड़े हो? दूर हटो उससे, मूर्ति को हानि पहुंचेगी। हाँ हाँ, हट तो मैं जाऊंगा, किंतु यदि तुमने मेरा प्रस्ताव नहीं माना ना तो। मैं इसे अग्नि में प्रज्वलित कर दूंगा। हाँ कर दो। हमारी बनाई हुई मूर्ति ना तो जल से गल सकती है और ना ही अग्नि से जल सकती है। तेरी पता नहीं ये बात बताई थी, मैं क्या करूं। अच्छा, उचित है। जल से गल नहीं सकती और अग्नि से जल नहीं सकती, किंतु कुल्हाड़ी के एक प्रहार से इसके 2 टुकड़े तो अवश्य हो सकते हैं, जो मैं अब करने वाला हूं। उसके पश्चात पड़ोसी राज्य का राजा, जिसका क्रोध जगत प्रसिद्ध है, वो स्वयं तुम्हारे 2 टुकड़े कर देगा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री के मंत्र जाप से हमने आपकी आरती की है ताकि आप पर और आपके केश पर किसी की कुदृष्टि न पड़े। एक बात बताएं महारानी, हम कल की पूजा को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आखिर विजयनगर साम्राज्य के स्थापना दिवस की महापूजा है कल। हम भी उतने ही उत्साहित हैं महाराज। ये देखिए ना, आमंत्रण पत्र हमने कल की पूजा के लिए बनवाया है और विजयनगर के सभी प्रतिष्ठित जनों को भिजवा भी दिया है। हम ये चाहते हैं कि कल की पूजा में ये सब सम्मिलित हो और ये देखे कि आपने पंडित रामाकृष्ण और उनके पुत्र भास्कर को कितना सम्मान दिया है। यदि हमारे बस में होता ना तो उस भास्कर को कभी सम्मानित नहीं करते, किंतु आपकी इच्छा थी और आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम आपकी इच्छा को कभी मना नहीं कर सकते। ये तो आपका प्रेम है, किंतु 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 क्या? हमारे मन में ये विचार आ रहा था कि आपने पंडित रामाकृष्ण और उनके पुत्र भास्कर को इतना सम्मान दिया है, यदि वो कल की पूजा के लिए सम्मिलित नहीं हुए तो हम भी ना कुछ भी सोचते हैं। पर महाराज, हम जो भी सोचते हैं ना वो आपके और आपके सम्मान के लिए होता है। जानते हैं, तभी तो हम आप पर प्राण न्यौछावर करते हैं।
अब निर्णय तुम्हारा है, अपने दो टुकड़े करवाने हैं या मेरा प्रस्ताव स्वीकार करके मूर्ति बनानी है। शीघ्र बताओ अथवा नहीं। ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अनर्थ अभी किया नहीं है, किंतु हो सकता है। ये कुल्हाड़ी तुम इस मूर्ति पे नहीं अपितु हमारी गर्दन पे चलाओगे। अगर इस मूर्ति को कुछ हो गया तो पड़ोसी राज्य का राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। क्षमा करें, बहुत विवश हूं, अन्यथा इतने महान मूर्तिकार से इतनी अभद्रता से बात नहीं करता। मेरे पिता के अस्तित्व का प्रश्न है। तुम्हारे पिता के अस्तित्व का प्रश्न? जी, मेरे पिता पंडित रामकृष्णा, जो कि पंडित रामकृष्ण, वो विद्वान पंडित, वो तुम्हारे पिता? जी। उनकी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के बहुत से प्रसंग हमने सुने थे, और उनसे भेंट करने का शुभ अवसर भी प्राप्त होने ही वाला था, किंतु उसके पूर्व ही वो विजयनगर से कहीं चले गए। किंतु अब उन्हें वापस लाने का समय आ गया है, और आपकी सहायता इसे संभव कर सकती है। हम समझे नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि मुझे आपकी मूर्तिकला के कौशल की आवश्यकता है। आपको मेरे पिता की बिल्कुल सजीव दिखने वाली एक मूर्ति बनानी होगी। तुम तो अपना प्रतिरूप बनवाना चाहते थे, किंतु अब ये क्या कह रहे हो? एक ही बात है, पिता और पुत्र एक भांति ही है, ना केवल मन वचन और कर्म से अपितु सूरत से भी। एक निवेदन और है, इस विषय में और किसी को ज्ञात ना हो, अन्यथा। तुम निश्चिंत रहो, मैं मूर्ति बनाऊंगा पंडित रामकृष्ण की। एक ऐसी मूर्ति जिसे देखकर सबको लगेगा कि साक्षात पंडित रामकृष्ण ही विराजमान और अभी बोलने वाले। धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सर पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं और तू चैन से सो रहा है। कौन सी छत गिर रही है शारदा अम्मा? अच्छा नहीं, बताओ बताओ। अच्छा ऋतु का समय नहीं है शारदा अम्मा। अच्छा नहीं, अगर वो फिर से बताओ। संकट के बादल, मैं चैन से सो रहा हूँ। अच्छा, अपने बापू के एक भी गुण नहीं है तुझको। संकट का समय हो और तेरे बापू के नेत्रों में निंद्रा आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता था। बापू, संकट, निंद्रा, तुम भी बहुत विचित्र हो शारदा अम्मा। कभी कहती हो कि संकट की घड़ी में बापू धैर्य से कार्य लेते थे, और फिर कहती हो कि ऐसी परिस्थिति में रात्रि भर बापू को निद्रा नहीं आती थी। निर्णय कर लो, वो करते क्या थे। अरे तुम परेशान क्यों होती हो शारदा अम्मा? तिमिर संहारा भास्कर शुभम कारा, संकट से बचने का उपाय मैंने ढूंढ लिया है। हाँ, अब बस तुम संध्या काल में तैयार होकर राज दरबार चलने की तैयारी करो। तुम नहीं आ रही, क्यों? तुम पूरा समय पूजा में बैठी रहोगी। अरे हाँ, जब तक तेरे सर के ऊपर से संकट के बादल हट नहीं जाते और तू सकुशल घर वापस नहीं आ जाता, तब तक मैं काली माँ की चालीसा का अखंड पाठ करूंगी। शारदा अम्मा, जब माँ काली और शारदा अम्मा दो दो माओं का आशीर्वाद मेरे सर पर हो, तो मेरे सामने संकट दिख पाएगा क्या? हाँ, आशीर्वाद दो। प्रतीत होता है धोती आवश्यकता से अधिक लंबी हो गई। आ!
ये क्या किया? नहीं, कैसे हुआ ऐसे पूछते हैं। अनजाने में हो गया कांता, मैं तो तुम्हारा धन्यवाद करने आ रहा था। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये तो सब तुमने जानबूझकर किया मुझे सताने के लिए। अरे तुम्हें सता, तुम्हें सताकर मुझे लड्डू पेड़े मिलेंगे क्या? मैं तो राजदरबार जाने के लिए निकला था। रुष्ट मत हो, तुम भी घर जाकर शीघ्र अति शीघ्र सुसज्जित होकर पूजा के लिए आ जाओ। हाँ जा। अरे घंटे कुमार चाचू, आपसे एक कार्य है। हाँ? छो जाएगा। कौन सो जाएगा? अरे छो जाएगा, छो जाएगा, हो जाएगा। हाँ ओ, लगता है मेरी कुंडली में वार्तालाप दोष चल रहा है। उधर शारदा अम्मा कुछ बोलती नहीं है और तुम जो बोलते हो समझ में आता नहीं है। अच्छा अनुमति दो, पूजा की तैयारी के लिए जाना है। हाँ अरे प्रणाम, आइए आइए पधारिए श्रीमान। प्रणाम प्रणाम। कर लो मूर्ख, कर लो जितना स्वागत करना है कर लो, उसके पश्चात तो हम तुम दोनों का स्वागत करेंगे, क्योंकि राजगुरु की गद्दी पर आज तुम दोनों का अंतिम दिवस है। पूजा के पश्चात हम पुनः बनेंगे राजगुरु और फिर हम बताएंगे नीति भी और राजनीति भी। हाँ आई आई टेका ला गया। महामात्य, मामाते आपका स्वागत है, आइए आइए। मामाते बस वो पूजा के पश्चात हमारे राजगुरु बनने की कार्यवाही। कोई बात नहीं, हम बाद में इस विषय पर बात कर लेंगे। पंडित रामकृष्ण और भास्कर कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले ही भाग गए? जय 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 काली कंकाली, जय कपालिनी, जयती कैराली, बोलो काली मैया की जय। हरे बोलो विजयनगर के महापराक्रमी महामार। उसी में बार बार पांव टकरा है। अरे इस मारे देवी आम्रपाली से टकरा कर गिर गया, क्षमा करें। होती नहीं, जब जिह्वा आवश्यकता से अधिक लंबी हो जाए और दुस्साहस सीमाएं लांघने लगे तो प्राण संकट में पड़ जाते हैं, समझे कि नहीं समझे? समझ गया महामाते। पंडित रामकृष्ण अभी तक क्यों नहीं आए? वो नहीं आएंगे। क्या? समय पर नहीं आएंगे, गंगा स्नान ही तो गए हैं ना, इसलिए। ओह उत्तम, अति उत्तम, पूजा से पूर्व गंगा स्नान अति उत्तम रहता है। महाराज बाला कुमार पधार रहे हैं। महाराज बाला कुमार की जय। महाराज बाला कुमार की जय। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। भास्कर, पंडित रामकृष्ण जी कहाँ हैं? वो बस आते ही होंगे महाराज। परंतु पूजा से पूर्व तो आ जाएंगे ना?
आएंगे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे, क्योंकि पूजा के पश्चात पंडित रामकृष्णा स्वयं अपने हाथों से हमें राजगुरु की गद्दी पर बिठाएंगे, है ना महामात। कोई 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 बात नहीं, हम प्रतीक्षा कर लेंगे। समय सर्वद्रष्टा है महामात्य, सब जानता है, ये भी कि आज मैं और बापू एक साथ पूजा में अवश्य बैठेंगे और एक साथ पूजा संपन्न भी करेंगे आप सबके समक्ष। भास्कर ही तो पंडित रामकृष्णा है, तो फिर दोनों एक साथ पूजा कैसे करेंगे? किंतु भास्कर इतने विश्वास के साथ यह दावा कैसे कर रहा है? गुंडप्पा चाचू को कार्य सौंप तो दिया है, किंतु यदि उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी तो